2019 के चुनाव की तैयारी के लिए किए गए तबादले के बाद अलीगंज सीओ स्वतंत्र कुमार सिंह के आते ही निष्पक्ष चुनाव की तैयारियों में जुट गए। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को थाना जानकीपुरम सीओ अलीगंज और थाना अध्यक्ष जानकीपुरम की अध्यक्षता में क्षेत्रीय सम्मानित लोगों और पत्रकारों की एक मीटिंग बुलाकर चुनाव शांतिपूर्ण कराने की चर्चा की गई। मौके पर सम्मानित लोगों के साथ साथ दर्जनों पत्रकार भी सर ये बताइए कि जो आज मीटिंग रखी गई थी उसका क्या उद्देश्य था। देखिए सर्वप्रथम तो ये मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की मीटिंग जो कि जानकीपुरम थाने में हम लोगों ने की है उसका उद्देश्य था कि यहाँ के जो भी मीडिया बंधु हैं जो भी सम्रांत लोग हैं उनसे एक मुखातिब होना उनसे और उनके अपनी अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट हैं जो प्रायोरिटीज़ हैं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसको उनके बारे में बताना उनसे इनपुट लेना और अपनी टॉप प्रायोरिटी की चीज़ों को उनको बताना। लिहाजा ये मीटिंग काफ़ी सफल रही, लोगों से अच्छे से वार्तालाप हुआ, उनसे अपनी प्रायोरिटीज़ हम लोगों ने डिस्कस की, आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में डिस्कशन हुआ, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में डिस्कशन हुआ और क्राइम पर डिस्कशन हुआ। कोई लाइन आर्डर या जिसे चुनाव संबंधी कुछ जनता से जी बिल्कुल, देखिए प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोगों ने बताया कि प्रायोरिटी का जो लेवल है उसमें हमारा जो आगामी लोकसभा का चुनाव है जो टॉप प्रायोरिटी पे हमारे और हम उसको शांत और सफल बनाने में कटिबद्ध हैं और वो हम उसे अच्छे से कराएंगे, जिसको हमने कई भागों में तोड़ा हुआ है अपने इस तैयारी को, जिसमें हमारा CPMF के रुकने का स्थान है उसको हम प्रॉपरली चिन्हित करके जो हमारी CPMF आएगी उसको रुकवाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। उसके साथ साथ जो हमारा वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथों का निर्धारण है उसके लिए हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उन बूथों को निर्धारित कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें कैसी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। हम अपने SSP महोदय के माध्यम से उनके दिशा निर्देशों के अंतर्गत उसमें काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं जो अवांछनीय तत्व हैं उन पे जानकीपुरम पुलिस अच्छे से नजर रखी हुई है, अलीगंज सर्किल अच्छे से नजर रखी हुई है, लखनऊ पुलिस बहुत अच्छे से उनको अपने नजरों में रखी हुई है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हुए एक शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। तो इस चैनल के माध्यम से कोई संदेश जनता को देना चाहेंगे? बिल्कुल, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा अलीगंज सर्किल की जनता को। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए जानकीपुरम पुलिस सदैव 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। आप निसंकोच होकर थाने आइए, अपनी समस्याओं को बताइए और हम आपकी सेवा